दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट लास्ट दिवाली सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इस सेल की सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि जो रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप है ना, वो इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। आप खुद देखो यार, जो लैपटॉप पिछली पुरानी सेल के अंदर आपको 40 से 50 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल रहा था, वो लैपटॉप इस लास्ट सेल के अंदर आपको 56,000 का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सबको पता है कि भाई लास्ट सेल है, इस सेल के बाद कोई भी सेल आपको देखने को नहीं मिलने वाली मार्केट में। तो ऐसे में पब्लिक की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने इस लैपटॉप की प्राइस को हाई कर दिया। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि भाई इतनी ज्यादा हाई प्राइस के अंदर आपको इस लैपटॉप को परचेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि ये लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन दोस्तों 56,000 रुपीज के अंदर ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है और वर्थ भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लैपटॉप के 5 अल्टरनेटिव एक से बढ़कर एक लैपटॉप बताने वाला हूं, वो भी अलग अलग अच्छे अच्छे ब्रांड के, जैसे कि एचपी हुआ, एसुस हुआ, एसर हुआ, एमएसआई कंपनी, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंपनी के मैं आपको बढ़िया लैपटॉप बताने वाला हूं, जो कि सारे लैपटॉप आपको 50,000 रुपए से कम की प्राइस में देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों अभी मैं जो भी लैपटॉप्स आपको बताने जा रहा हूं ना, उनका मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई कम से कम ये सब फीचर तो लैपटॉप के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला फीचर, कम से कम लैपटॉप में इंटेल i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए या फिर राइजन 5 5th जनरेशन का प्रोसेसर होना ही चाहिए। लैपटॉप के अंदर एक HD कैम होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड के अंदर लाइट्स वगैरह होनी चाहिए, यानी कि बैकलाइट्स होनी चाहिए। लैपटॉप के अंदर कम से कम 8 GB रैम और 512 GB SSD होनी चाहिए। लैपटॉप जो है थिन और लाइट होना चाहिए, कि विंडोज 11 होनी चाहिए और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रीइंस्टॉल देखने को मिलना ही चाहिए। सो दोस्तों ये सारा क्राइटेरिया मैंने सेट किया है एक लैपटॉप का, कि बेसिकली ये सारे फीचर्स तो कम से कम एक लैपटॉप के अंदर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लैपटॉप की, जिसको आप रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप के अल्टरनेटिव लैपटॉप के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों वो लैपटॉप है लेनोवो आइडियापैड 3। बात करूँ उस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये जो लैपटॉप है आपको 43,490 रुपीज का देखने को मिल रहा है अभी अमेजोन पर। अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो ये जो लैपटॉप है आपको अप्रोक्स 41,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला जो लैपटॉप है ना, वो थिन है, लाइट है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 8 GB की रैम और 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। बात करूँ इस लैपटॉप के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको राइजन 5 5500U वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों कुछ बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इस लैपटॉप के अंदर आपको कीबोर्ड बैकलाइट देखने को मिल जाती है, HD कैम देखने को मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, HDMI पोर्ट, सी टाइप पोर्ट और जितने भी पोर्ट होते हैं, वो सारे के सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस लैपटॉप के अंदर। सो बेसिकली दोस्तों ये जो लैपटॉप है वो थिन है, लाइट है, आप इजीली कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। कुछ और एडवांस फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाली है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला है, और जहां पे जो रैम रोम है वो भी अपग्रेडेबल है, यानी कि आप फ्यूचर में इसकी रैम को बढ़ा सकते हैं अप टू 12 GB तक। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो यहां पे आपको अप्रोक्स 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा इस लैपटॉप के अंदर। दोस्तों रियलमी स्लिम बुक के सेकंड अल्टरनेटिव लैपटॉप की बात करूं तो वो है एसर एस्पायर 5। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइस की, तो ये जो लैपटॉप है आपको 42,990 रुपीज में देखने को मिल जाएगा अभी अमेजोन पर। अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो इस लैपटॉप को आप आराम से 40,000 रुपए के अंदर परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंच की फुल HD प्लस एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB रैम और 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। बात करूँ इस लैपटॉप के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको इंटेल i5 11th जनरेशन का एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करूँ इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर की, तो यहाँ पे आपको ये जो लैपटॉप है वो थिन एंड लाइट होने वाला है। यहाँ पे आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाली है। जो कीबोर्ड है उसके अंदर आपको बैकलाइट्स वगैरह लाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला है। इस लैपटॉप के अंदर आपको एक HD कैम देखने को मिलने वाला है। साथ में जितने भी पोर्ट्स होते हैं, HDMI पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, USB पोर्ट, सारे के सारे पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो इसकी रैम और रोम है वो भी अपग्रेडेबल है। इसकी जो रैम है उसको आप 20 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड दोस्तों फाइनली बैटरी बैकअप की बात करूं तो इस लैपटॉप के अंदर आपको अप टू 11 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर आपका बजट है 43,000 रुपीज का, तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों रियलमी स्लिम बुक के थर्ड अल्टरनेटिव लैपटॉप की बात करूँ तो दोस्तों वो है MSI मॉडर्न 14। दोस्तों बात करूँ इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये जो लैपटॉप है अभी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल रहा है 44,990 रुपीज़ का। अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो ये जो लैपटॉप है आपको 41,000 रुपीज़ का आराम से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करूँ इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 14 इंच की फुल HD प्लस एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे 8 GB रैम होने वाली है, 512 GB SSD होने वाली है। और वहीं पे दोस्तों बात करूँ इस लैपटॉप के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको
राइजन 5 5500 चिपसेट वाला एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके स्पेशल की पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड में बैकलाइट्स वगैरह लाइट वगैरह देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे लैपटॉप के अंदर आपको एक HD कैम देखने को मिलने वाला है और साथ में दोस्तों लैपटॉप के अंदर आपको सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो सब देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर बस मुझे सिर्फ एक ही कमी लगी कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना वो इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलने वाला। नहीं तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता हमारी इस वीडियो के अंदर। इसी वजह से दोस्तों ये जो लैपटॉप है वो थर्ड पोजीशन के अंदर मैंने रखा है। और बेसिकली दोस्तों कुछ और फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाली है और ये जो लैपटॉप है वो लाइट थिन होने वाला है। बेसिकली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजिली। वहीं पर दोस्तों जो इसकी रैम है वो है अपग्रेडेबल, यानी कि इसकी रैम को आप अप टू 12 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये जो लैपटॉप है वो लास्ट 7 घंटे तक आपका साथ दे देगा। दोस्तों Realme Slim Book के फोर्थ अल्टरनेटिव लैपटॉप की बात करूँ तो वो है Asus VivoBook 15। ये जो लैपटॉप है अभी आपको Flipkart पर 43,000 का देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस लैपटॉप को मैंने चलती वीडियो की लिस्ट से बाहर कर दिया क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक बड़ी कमी मुझे लगी जो कि है बैकलिट। इस लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब इस लैपटॉप के जो कीबोर्ड के बटन से उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की लाइट देखने को नहीं मिलने वाली। इसी वजह से मैंने इस लैपटॉप को चलती वीडियो की लिस्ट से बाहर कर दिया। कहने का मतलब Asus VivoBook 15 को मैंने इस लिस्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया। वहीं पे दोस्तों जो फिफ्थ अल्टरनेट लैपटॉप है वो है HP 15S। दोस्तों इसी लैपटॉप के अंदर सेम वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस लैपटॉप के अंदर सारे फीचर्स बढ़िया हैं, सारे फीचर्स एकदम शानदार हैं। जो प्रोसेसर है वो भी इंटेल i5 12 जनरेशन वाला है। प्राइस भी काफी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों यहां पे सिर्फ आपको एक कमी देखने को मिल रही है, वो है कीबोर्ड बैकलिट। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको कीबोर्ड के अंदर कोई भी लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली। दोस्तों ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, कुछ लोगों के लिए इग्नोरेबल बात हो सकती है कि भाई लाइट वगैरह नहीं कीबोर्ड तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचो, आप कहीं बाहर जाके जो अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो या अचानक से लाइट चलेगी तो ऐसे में आपका लैपटॉप तो चलेगा लेकिन आपके जो कीबोर्ड के बटन है ना उनके अंदर लाइट्स नहीं दिखेगी, तो ऐसे में आप जो टाइप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में कीबोर्ड की बैकलाइट्स को होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी दोस्तों वीडियो की लिस्ट के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग जो 3 लैपटॉप बताया ना, MSI मॉडर्न 14 और उससे पहले मैंने एक और लैपटॉप बताया, उससे पहले एक और बताया, इन 3 लैपटॉप्स के अंदर आपको सारे के सारे जो नीडेड फीचर होते हैं ना, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग कीबोर्ड बैकलाइट। So, दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी छोटी सी बनाई वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सच में थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप इंटरेस्ट रखते हैं 5 लैपटॉप्स के अंदर तो मैंने सारे लैपटॉप्स की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।